तो गुजरात में प्रवेशवा माटे आज थी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होवो फरजियात छे, परंतु बनासकांठानी गुंदरी चेकपोस्ट पर सरकारी तंत्र ऊंघतू झड़पायू। गुंदरी चेकपोस्ट पर कोई सरकारी कर्मचारी हाजर ज नहोता, परंतु टीवी नाइन ना अहेवाल बाद आरोग्य तंत्र दौड़तू थई गयू। टीवी नाइन ना अहेवाल बाद तुरंत ज आरोग्य तंत्र सक्रिय बन्यू अने बॉर्डर पर तात्कालिक कर्मचारियों ने दौड़ाव्या अने आरटीपीसीआर टेस्ट माटेनू चेकिंग शुरू कर्यू। बनासकांठानी मुख्य चार चेकपोस्ट पर आरोग्य अने पोलीस कर्मचारियों द्वारा आरटीपीसीआर टेस्टनी तपास थई रही छे। जे लोको पासे आरटीपीसीआर टेस्टनो रिपोर्ट नथी तेमने गुजरातमां प्रवेश आपवामां आवतो नथी, जेना कारणे अनेक लोको मुश्किलीनो सामनो करी रह्या छे। राजस्थानथी गुजरातमां दररोज हजारो लोकोनी અવરજવર હોય છે। રોજિંદા માલસામાનની હેરફેર કરતા લોકોને પણ પ્રવેશ ન અપાતા તેમને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે। परेशानी हो रही है, माल लेके मंडी में जाना था, अभी जाने नहीं दे रहे, हैरान हो रहे हैं, क्या करें क्या कह रहे हैं? वो जाने को आरटी मांग रहे हैं, कोई कई कुछ कागज मांग रहे हैं, वो जाने नहीं देते। अभी कितनी दिक्कत है? अभी बहुत परेशानी है, परेशानी परेशानी है, बहुत परेशानी हो रही है सर। क्या करने जा रहा था? माल खाली करने जा रहे हैं, एरंडा भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। तो अभी क्या वो भी जाने दे रहे, मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो तो वापस चले जाओ। જે ટેસ્ટ કરાવ્યા વગર આવે છે એમને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે એ લોકો રિટર્ન રાજસ્થાન જઈ અને ટેસ્ટ કરાવી અને પછી ગુજરાતમાં આવે, અને છેલ્લા 72 કલાકમાં જો રિપોર્ટ કરાવેલો હશે તો જ એ વેલિડ ગણાશે, એના પહેલાંનો જો રિપોર્ટ હશે તો એમને ફરીથી આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરાવવાનો રહેશે।